मैं शंकर सर, मेरे तरफ से आप सबको फिर से सुप्रभात। नर सत्र 2020-21, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी दी, उसमें सबसे पहले हमने भाषा का परिभाषा के बारे में आपको बताए थे, उसके रूप को के बारे में बताए थे, भाषा कितने रूप होते हैं, उसके दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। उसी तरह व्याकरण के बारे में भी हम आपको बताए थे। अब हम आपको आज के वीडियो में हम आपको बोली के बारे में बताएंगे। एक भाषा में स्थान भेद के कारण बोलचाल के कई रूप होते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हम अगर घर छोड़कर कुछ दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस तरह के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा बोलचाल की भाषा बदल जाती है और उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा को, बोली को हम ग्रहण करते हैं। अगर हमें नहीं मालूम है तो वहाँ की सीखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाषा, उसकी परिभाषा, परिभाषा में हम देखते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा, जो भाषा हम बोलते हैं उसके क्षेत्रीय अलग क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ का क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। सब क्षेत्र के बोली की एक अलग विशेषता होती है। हरियाणा के निवासियों के द्वारा हरियाणवी, ब्रज के लोगों के द्वारा ब्रज भाषा, इसी प्रकार मिथिलांचल में रहने वाले लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं और वहाँ के बोलियों का भी विशेषकर ख्याल रखते हैं, प्रयास करते हैं। ये बोली हुआ और क्षेत्रीय, विशेषकर क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। बोली की तरह हम लिपि के बारे में आएंगे, लिपि को भी देखेंगे। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। जिस तरह लिपि को लिखने का एक अलग ढंग होता है, उसमें प्रत्येक भाषा की ध्वनियों के चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार दिया है, जिस तरह हम लोग व्याकरण, भाषा, बोली की परिभाषा सीख चुके हैं, देखे हैं, उसी प्रकार लिपि की भी परिभाषाओं को देखेंगे। भाषाओं के को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के चिन्ह अ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ इत्यादि आगे बढ़ेंगे तो ये हिंदी भाषा के चिन्ह हैं। ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों में से लिया गया, दर्शाया गया है, जैसा कि आप पेपर में देख रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए चिन्ह है ए, बी, सी, डी, ई, अर्थात इसका 26 अक्षर है, अंग्रेजी में इसको लेटर बोलते हैं, तो इसका भी एक चिन्ह अलग चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं, किसी भी परीक्षा में अन्य पेपरों में लिखा हुआ देखते हैं तो हिंदी देव की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में है, उर्दू फारसी लिपि में है, इसी तरह अन्य भाषाओं की भी अपनी अपनी लिपि है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने क्या सीखा। हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने के लिए ही पढ़ते हैं,
शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे के द्वारा ध्वनि को सुनते सुनाते हैं, उसमें हम जो सीखते हैं उसके बारे में हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा की बोली है, अलग अलग क्षेत्र की। किसी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्हों को निश्चित किया गया है उन्हें लिपि कहते हैं। धन्यवाद।